Assalamu alaikum students. Now today we discuss an other topic of your mathematics subject, class 9 and matric. We consider the concept of degree of polynomial. On behalf of MCQs, आपके जो MCQs format है उसके हिसाब से एक other topic के साथ मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूँ. Our topic है degree of polynomial. We consider the exercise 4.1 and question number 4 of this exercise. बेटा question number 4 जो है वो आपके पास इस एक्सरसाइज का आपके लिए एमसीक्यूज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है. क्वेश्चन नंबर 4, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ये हमारा आज का टॉपिक होगा. वी कंसीडर एग्जांपल एनी कंसीडर एग्जांपल इन द फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. वी कंसीडर वेरी सिंपल एग्जांपल x स्क्वायर प्लस y. वेरी सिंपल x एंड y. इट्स मीन फॉर द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कंपल्सरी और जो नेसेसरी आपके लिए चीज़ होनी चाहिए वो ये है कि यहाँ पे आपके पास इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल चीज़ होनी चाहिए. कॉन्स्टेंट नंबर में हम बात नहीं कर रहे. बहुत सारे एग्जाम्पल अभी आपके सामने आएंगी. डिफरेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको दूंगा जिसमें कहीं पे कॉन्स्टेंट नंबर भी आ रहे होंगे तो उनकी डिग्री किस तरह मालूम की जाती है. अगर 2 है वेरिएबल या 3 है वेरिएबल या मल्टीपल फॉर्म में है तो आप उनको किस तरह कंसिडर करेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के लिए. वी कंसिडर फर्स्ट एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस वाई. अब आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं x एंड y. ठीक है, x क्यूब जो फॉर्मेशन है x की जो वैल्यू पावर है वो है 2 और जो y की पावर है वो है 1. ठीक है, जो x की जो पावर है वो 2 है और जो y की पावर है वो 1 है. तो बेटा अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि x के साथ और कोई वेरिएबल आपका मल्टीपल फॉर्मेशन में नहीं है. इसी तरह y के साथ भी कोई मल्टीपल फॉर्मेशन में नहीं है. इट्स मीन y भी सिंगल और x भी सिंगल. नाउ वी कंसीडर हायर पावर. हायर पावर किसकी है? हायर पावर यहाँ पे x की है और वो कितनी है? 2. तो हमने ये देखना होगा पहले कि हायर पावर किस वेरिएबल की है हमारे पास यहाँ पे. तो x की है तो इसलिए लिहाजा मैंने कह दिया कि x. ठीक, तो याद रखिएगा हमने यहाँ पे ये चीज़ लाजमी देखनी होती है कि हायर पावर के सिस्टम की आ रही है और आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्मेशन. आपको पता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पास हमेशा एक्स वाई पी क्यू आर जेड इस तरह की फॉर्मेशन में आपके पास क्वेश्चन आ रहे होते हैं. तो हायर पावर बेटा x की है तो इसलिए और कितनी पावर है? 2. y की पावर 1 है. डेट्स वाई वी कंसीडर द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन गिवन एक्सप्रेशन. यहाँ पे जो आपके पास डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगी वो होगी 2. डिग्री इज इक्वल टू 2. ठीक है, मैं अपनी बात को दोबारा रिपीट करता हूँ ताकि आपको यही एग्जाम्पल बहुत बेहतर अंदाज से समझ में आ जाए. वी कंसीडर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस वाई. एक्स पावर 2 एंड y की पावर 1 है आपके पास और कोई यहाँ पे मल्टीपल फॉर्मेशन में मौजूद नहीं है, ना y ना z ना x p कुछ भी नहीं है. तो अब सबसे पहले ये देखना होता है यहाँ पे कि इन दोनों में से हायर पावर किसकी है. जिसकी हायर पावर है और जितनी हायर पावर है वो, फॉर एग्जांपल x की पावर 2 थी और y की पावर 1 है तो वो हायर पावर 2 हुई. तो इसलिए जो 2 है वो डिग्री कहलाएगी. यानी कि इस एक्सप्रेशन में डिग्री कितनी हुआ, पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हुई, हम कहेंगे 2 क्योंकि हायर पावर 2 है. ये हो गया आपके पास विस बहुत इजी क्वेश्चन हो गया. अब मैं एक क्वेश्चन आपके सामने और रखता हूँ बेटा एग्जांपल के लिए कि x 4y n प्लस y क्यूब एंड y स्क्वायर. ये एक अदर एग्जांपल आपके पास आ गई कि x 4y प्लस y क्यूब एंड प्लस y स्क्वायर. ठीक है, अब दिस इज योर फर्स्ट टर्म एंड दिस वन सेकेंड एंड दिस वन इज थर्ड टर्म. आपके पास 3 टर्म आपके पास यहाँ आती हैं एक्स फोर वाई प्लस वाई क्यूब एंड प्लस वाई स्क्वायर. अब यहाँ पर ये देखना है कि क्या सिंगल फॉर्मेशन है या कोई मल्टीपल फॉर्मेशन भी मौजूद है. तो येस, आपकी फर्स्ट टर्म में ही मल्टीपल फॉर्मेशन मौजूद है एक्स फोर वाई प्लस वाई क्यूब सिंगल फॉर्मेशन में और वाई स्क्वायर भी सिंगल फॉर्मेशन में आपके पास. अब हमें पावर कैलकुलेट करनी है. अब जरा देखिएगा टोटल पावर इस टर्म में जो टोटल पावर है वो कितनी हो गई. x की पावर 4 और y की पावर 1 है तो मैं ये कह सकता हूँ कि टोटल पावर जो है वो हो गई 5. क्यों? 4 प्लस 1. x की पावर 4 और y की पावर 1 तो टोटल पावर 5 हुई. इन अदर टर्म पावर इज 3 एंड द नेक्स्ट वन टर्म लास्ट टर्म के अंदर जो पावर है वो है आपके पास 2.
अब आप देख सकते हैं कि हायर वैल्यू जो है वो आपके पास 5 है और उसके बाद 3 है एंड देन 2 है, तो डिग्री क्या हुई 5। तो इस तरीके से आप डिग्री कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी पॉलीनोमियल की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि इस एग्जांपल में इसमें डिफरेंस किस चीज़ का है, यहाँ पे सिंगल फॉर्मेशन थी आपके पास, यहाँ पे एक टर्म में मल्टीपल फॉर्मेशन है, एक्स और वाई दोनों मौजूद हैं, तो मैंने उन दोनों की डिग्री को ऐड कर दिया, 4 एक्स की पावर वाई की पावर 1, टोटल वैल्यू आपके पास 5, 3 एंड 2, तो डिग्री ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज़ 5। तो यहाँ पे आपके पास जो डिग्री होगी पॉलीनोमियल की उसे हम क्या कहेंगे 5। ठीक, तो दो डिफरेंट आपके पास एग्जांपल आपके सामने आ गए। नाउ वी कंसीडर एन अदर एग्जांपल नंबर 3। पाई, व्हाट इज पाई? पाई कांस्टेंट वैल्यू 3.142 और 22/7 एक कांस्टेंट नंबर है। तो जो भी एक कांस्टेंट नंबर होगा आपके पास, तो हमेशा याद रखिएगा, अब यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कशन पे मैं आ रहा हूँ और वो डिस्कशन ये है कि कांस्टेंट नंबर की डिग्री हमेशा 0। कांस्टेंट नंबर की डिग्री हमेशा क्या होगी बेटा? 0 होगी। ये बात आप याद रखिएगा कि कांस्टेंट नंबर की जो डिग्री होती है वो 0 कहलाएगी आपके पास। तो डिग्री 0 कोई भी कांस्टेंट नंबर, अगर आप कहते हैं फॉर एग्जांपल अनदर एग्जांपल 5 पावर स्क्वायर, 5 पावर स्क्वायर मींस 25। आंसर क्या है आपके पास? 25। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इस चीज़ का है कि बेटा यहाँ पे आपके पास नंबर्स हैं, एक कांस्टेंट नंबर है और कोई भी आपके पास एक्स वाई जेड पी क्यू आर इस तरह के फॉर्मेशन मौजूद नहीं है। तो याद रखिएगा, अगर आपके पास इस तरह की एक्सप्रेशन नहीं आता है कि एक्स वाई वाई क्यू वाई जेड और आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट नंबर की डिग्री जो है वो हमेशा 0 होगी। तो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस वन? डिग्री इज 0। तो यहाँ पर भी डिग्री क्या हो जाएगी आपके पास? 0। ठीक, नाउ वी कंसीडर एन अदर एग्जाम्पल x² y² n + y². ऑब्वियसली यहाँ डिग्री होगी क्योंकि हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेशन के अंदर x एंड y और y स्क्वायर, x और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपके पास। तो नाउ सॉल्व द टोटल पावर ऑफ दिस टर्म। द टोटल पावर ऑफ दिस टर्म इज x² y² 2 + 2। द टोटल पावर ऑफ दिस टर्म इज 4 एंड दिस टर्म इज 2। तो आपके पास जो टोटल पावर है वो 4 है और इसकी जो आपके पास टोटल पावर है वो 2 है। डेट्स वाई वी कंसीडर दी डिग्री इन दी हायर फॉर्मेशन। जो आपकी हायर वैल्यू होगी वो डिग्री कहलाएगी। तो इसमें आपकी ये जो आपका एक्सप्रेशन है इसमें आपके पास जो डिग्री है वो है 4। तो डिग्री ऑफ दिस पॉलीनोमियल 4। तो अब आपके पास जो है वो मैं थोड़ा सा बेटा बोर्ड रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको और क्लियरली बात समझ में आ जाए। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कोई भी कांस्टेंट नंबर अगर आपके पास है पाई है तो उसकी डिग्री आपके पास क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको कहने के कांस्टेंट नंबर है आपके पास द फॉर्म ऑफ वेरिएबल एक्स वाई जेड फॉर्मेशन नहीं है तो हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे होते। एक्स वाई जेड पी क्यू आर टी कोई भी आपके वेरिएबल फॉर्मेशन लाजमी होनी चाहिए डिग्री के लिए। तो कांस्टेंट नंबर की डिग्री हमेशा 0 होंगे। द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7 और 3.142। आपको एक वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं। सिमिलरली एन अदर कांस्टेंट नंबर 5³, द आंसर इज 5² आंसर इज 25। आपके पास अगेन कांस्टेंट नंबर आ गया, तो जब भी कांस्टेंट नंबर होगा डिग्री 0। तो 25 डिग्री यहाँ पर भी हम आपको रिप्रेजेंट कर देंगे कि 0 है। इन अदर एग्जांपल, तो किसी भी कांस्टेंट नंबर की, बस यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट में आप अच्छी तरह बिठा दीजिए, फोकस कर लें इस पॉइंट के ऊपर कि किसी भी कांस्टेंट नंबर की डिग्री जो है वो हमेशा 0 होती है बेटा। ठीक है, नाउ वी कंसीडर एन अदर एग्जांपल x² y² + y
क्यू प्लस जेड स्क्वायर. दिस इज योर फर्स्ट टर्म एंड दिस वन सेकेंड एंड दिस वन इज थर्ड. आपके पास तीन टर्म मौजूद हैं. अब हम डिग्री कैलकुलेट करते हैं. फर्स्ट टर्म की जो डिग्री है ऑब्वियसली वो ऐड करके आएंगे क्योंकि टू डिफरेंट वेरिएबल यहाँ मौजूद हैं एक्स एंड वाई. ठीक है, तो टू प्लस टू इज इक्वल टू फोर. द टोटल पावर ऑफ दिस टर्म इज फोर एंड द पावर ऑफ सेकेंड टर्म इज थ्री एंड द लास्ट वन इज टू. आपके पास जो सेकेंड टर्म है उसकी पावर थ्री है और जो लास्ट टर्म उसकी पावर टू है. अब आप देख सकते हैं कि ईजिली हायर पावर 432 हायर पावर थ्री या फोर है आपके पास और फोर जो है वो आपके पास डिग्री. तो इट्स मीन आपके जो गिवन एक्सप्रेशन है इस गिवन एक्सप्रेशन की जो डिग्री होगी इस फोर उसकी जो डिग्री है वो बेटा आपके पास फोर आ जाएगी. ठीक है, तो डिफरेंट एग्जांपल मैंने कंसीडर करते हुए आपसे डिस्कस किया है कि हम किस तरीके से डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट करते हैं. एमसीक्यूज आपके पास बेटा वन मार्क के उसके आपके एमसीक्यूज लाजमी आ जाता है. बहुत दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि दो एमसीक्यूज भी आए हैं. तो आपने इस कॉन्सेप्ट पे लाजमी अपना ध्यान रखना है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का कोई भी एमसीक्यूज आपके पास आता है तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं. इसके तमाम कॉन्सेप्ट मैंने आपके सामने जो है वो क्लियर कर दिए कि कॉन्स्टेंट नंबर की फॉर्मेशन में क्या बात होगी और आपके पास इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल हम किस तरह उसको डिस्कस कर रहे होंगे. इन प्रीवियस क्लास वी डिस्कस अबाउट दी कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्सरसाइज 1.4 एंड नाउ टुडे वी डिस्कस दी एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 4. इसमें हमने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को डिस्कस किया. तो अब इस तरीके से आप भी समझ लें कि जितने अभी हमारी मैथ्स की वर्किंग होगी उसमें आपकी ईजीली दो एमसीक्यूज तो आप ये समझ लें कि आप पे कंफर्म हो चुके हैं कि अब आप इसकी अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये दो एमसीक्यूज इंशाल्लाह आपके लिए आपके पेपर में इस फॉर्मेट के बिल्कुल होंगे और आप उसको इजीली सॉल्व भी कर सकेंगे. ठीक है बेटा, नाउ अब मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ जो आपने अपने प्रैक्टिस में उसको सॉल्व कर लेना है. कुछ क्वेश्चन मैंने भी करवा दिए. आपको कोई डिफ़िकल्टी होती है तो आप उसके बारे में फिर अपने बिल्कुल पूछ सकते हैं. और जो है वो अगर कोई ऐसी डिफ़िकल्टी होती है जो आपसे सॉल्व नहीं हो पाता है तो आप लाजमी जो भी ग्रुप एडमिन है वहाँ पर आप मेंशन कर दीजिए तो मैं इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर आपको वो प्रॉब्लम जो आपकी होगी उसको भी सॉल्व कर दूँगा. तो बेटा अब आपने जो सॉल्व करने हैं एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 4. Do question number 4, exercise 4.1. यह आपने सॉल्व करने हैं. इसमें से काफ़ी सारे पार्ट्स मैंने कंप्लीट करवा दिए आपको ऑलरेडी. कुछ पार्ट्स रिमेनिंग हैं जो आपने इटसेल्फ करने हैं और उसमें फिर अपने बारे रिपीट करता हूँ. आपको कोई प्रॉब्लम ऐसी होती है जो आप अगर अपने कंसर्न टीचर से अपने कैंपस में जाकर पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, लेकिन अगर फिर आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं तो अपने एडमिन को आप इन्फॉर्म कर देंगे. उस हवाले से इंशाल्लाह जब अगली क्लास मेरी मैथ्स का लेक्चर होगा तो उसमें मैं प्रीवियस जो आपकी जो भी आपकी क्वेश्चन के आप पूछना चाह रहे होंगे हम इंशाल्लाह उसको एक्सप्लेन कर देंगे. तो बेटा आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन योर एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 4 इन योर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट कि आपने इसको ईजिली अंडरस्टैंड कर लिया होगा और इसको आप कंप्लीट सॉल्व कीजिएगा. 10 ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं. आपको बहुत ज़्यादा हेल्प रहेगी सॉल्व करने के लिए. लास्ट में सॉल्व कीजिएगा, इस पर फोकस कीजिए बेटा. थैंक यू सो मच.